मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कोरोना की सामान्य होती स्थिति के बारे में बताया, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी बात की। वहीं बच्चों के ऑनलाइन गेम जैसे फ्री फायर गेम के कंपनी मालिकों पर FIR करने की भी बात कही। इसके अलावा अरुण यादव के ट्वीट के जरिए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। वहीं बेरोजगारी भत्ते को लेकर दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। अभी कुल प्रदेश में 17 प्रकरण कोविड के हैं, जो कल टेस्ट लेने के बाद 17 प्रकरण ठीक होकर अपने घरों की ओर 13 लोग गए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे हैं। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल ना पाए, और यही कारण है कि कल भी 69,322 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए। संक्रमण दर अभी भी 0.024 बनी हुई है और रिकवरी रेट हमारी पूर्व की भांति 98.6 अभी भी रिकवरी रेट बनी हुई है।